हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो है 69वीं बीपीएससी का साक्षात्कार, वो हमको क्या सिखाता है। अब देखेंगे कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पत्रकार कह लें या फिर ऐसे विद्यार्थी कह लें कि जो बच्चों का इंटरव्यू बाहर आकर के लेते हैं, बताते हैं कैसा क्या किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन हम आपको अंदर की बात बताते हैं कि बीपीएससी का साक्षात्कार अभी 69वीं से कैसा चल रहा है ना। अब देखें कि इससे पहले जो भी साक्षात्कार हुआ था वो साक्षात्कार और 69वीं का जो साक्षात्कार हो रहा है, इसके लेने के पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि 69वीं का जो साक्षात्कार हो रहा है वो यूपीएससी के स्तर का हो रहा है ना। अगर किसी बच्चे ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा और बीपीएससी का इंटरव्यू अगर 69वीं का वो दे रहे होंगे, तब वो आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई वास्तव में इनका लेवल बीपीएससी के इंटरव्यू का कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया और कितना बेहतर हो गया है। ऐसे समझिएगा कि जब आप 69वीं का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे बोर्ड मेंबर आपके हॉबी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सारे केसेस में हुआ ऐसा है कि चेयरमैन जो होते हैं या जो अन्य मेंबर होते हैं आपसे आपकी हॉबी नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपसे आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, संक्षेप में कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ना ही आपसे आपका आइडियल पर्सन या आइडियल पर्सनालिटी पूछा जा रहा है कि आप किसको पसंद करते हैं, ये भी आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ये जो तीन एरिया था, जिस तीन एरिया पे बच्चे पहले काम करके जाते थे कि आपकी हॉबी क्या है, इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका आइडियल पर्सन कौन है, इन तीनों पे अपना आप काम अब नहीं करना है ना। हो सकता है एक्सीडेंटली किसी बोर्ड में पूछा गया हुआ हो, परंतु अधिकांश बोर्ड में ये हो रहा है कि इन तीनों चीज़ों का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा। तो फिर प्रश्न में अब जाएंगे तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये कब से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। वहाँ लगेगा नहीं कि आप 5-6 आईएएस के सामने या बड़े पदाधिकारी के सामने में बैठ करके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप बीपीएससी इंटरव्यू के माध्यम से आईएएस हो या आईपीएस हो या बड़े पदाधिकारी, उनसे बात करने का आपको मौका मिलता है। तो इसका मतलब ये हो कि जिस स्तर का उनका सोच है उसी स्तर का आपका सोच भी होगा, तो उनके सोच से अगर मैच हल्का भी कर लेंगे 5% भी ना, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम उस लेवल तक पहुँच गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे उनको आप थैंक यू मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी होता है आप उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे, वो आपको सिटिंग करने के लिए बोलेंगे, बैठ जाइए, आप थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू बोलने के बाद में ही आपसे आप पहला प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, जो एक जर्नी होता है हमारा। जो न्यू कमर्स या जिनका एज कम है तो उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन जिनका एज गैप काफ़ी लंबा हो गया है, पता चल जाता है उनके पास डॉक्यूमेंट होता है, उनसे पूछा जाता है कि इतना समय तक आप क्या कर रहे हैं। तो आपको एक ऑथेंटिक रीजन बताना होगा और एक ऑनेस्ट रीजन बताना होगा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, है ना। केवल पढ़ाई कर रहे थे तो केवल पढ़ाई करने से ही आप इकोनॉमी में कैसे योगदान देते हैं, जो भी चीज़ें हैं उन सारे केसेस को आपको देखना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बीपीएससी इस बार से क्या किया है, सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। अभी देखो कि बिहार में पिछले 1-2 सालों से ना, लगभग साल भर मान लो, बहुत ज़्यादा सिचुएशनल घटनाएं हुई हैं। किसी दलित का घर उजाड़ दिया गया, किसी रोड का एक्सीडेंट कर दिया गया, कहीं ताई दारू पी करके बहुत सारे लोग मर गए, नौका दुर्घटना से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, कहीं महामारी फैल गई, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी अधिकारी के साथ में, कई सिचुएशन हो गया कि कैसे आप हैंडल करेंगे। तो ये सिचुएशन पे ही आपसे बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो आपके दिमाग को जज करना चाह रहा है कि वास्तव में आप में अधिकारी बनने का गुण है या नहीं है, वो जज कर लेते हैं वहाँ जाकर के, पहली बात। दूसरी बात यह होता है कि आपसे समसामयिक टॉपिक पर यानी जो करेंट इशू होते हैं उस करेंट इशू पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे मेंबर वाले कि आपने पेपर पढ़ के, आप पेपर पढ़ा है, पेपर पढ़ने का आपको हैबिट है, तो पूछेंगे, खुद ही पूछते हैं कि बताओ क्या जो आपने न्यूज़ पढ़ा है उसमें से कौन सा बेहतर न्यूज़ लगा है। वो भी पेपर पढ़ते हैं, आपसे नाम पूछेगा पेपर कौन सा पेपर पढ़े हैं, आपसे कोई सिचुएशन का दे देगा। जैसे भी ब्रिक्स मीटिंग हुआ है, जयशंकर साहब पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान में किस प्रकार की इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है, हम पाकिस्तान को कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, फिर मोदी साहब कजान पहुंचे हैं, कजान में किस तरह का उलट किस प्रकार का मीटिंग है, क्या मीटिंग, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चीन के साथ में, रशिया के साथ में, क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे प्रभावित होगा। तो ये आसान नहीं है समझना। जब तक आप चीज़ों को विश्लेषणात्मक रूप से नहीं समझेंगे, अपने अध्याय को डीप माध्यम में नहीं पढ़ेंगे, तो नोट्स पढ़ करके या कहीं का किसी सीनियर का किताब पढ़ करके या किसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक पढ़ करके आप पीटी मेंस क्वालीफाई कर लेंगे, मेंस भी क्वालीफाई कर लेंगे, इंटरव्यू में आपको फंसा के रख देंगे, समझ जाएंगे कि भाई इनके पास में रटा हुआ विद्या है।
आपको अपना बुद्धि डेवलप करना होगा। ये बुद्धि तब आएगी जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, खास करके पेपर पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है। पेपर आपके लिए अमृत है और हर 2 घंटे अपने समय काल का अध्ययन काल में 2 घंटे पेपर को तो पढ़ना ही पड़ेगा और विश्लेषणात्मक रूप से समझ करके उसको इंटरलिंक करके दूसरे के साथ में पढ़ाई करनी होगी। जब तक आप उसको इंटरलिंक करके पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप साक्षात्कार देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा 70वीं बीपीएससी का जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू और भी ज्यादा इसमें डायनेमिक होगा। इस इंटरव्यू में आपसे पॉलिटिकल बातें भी पूछी जाएंगी, आपसे सोशल बातें भी पूछी जाएंगी, आपसे इकोनॉमिकल बातें भी पूछी जाएंगी, आपसे कल्चरल बातें भी पूछी जाएंगी, आपसे रीजनल बातें भी पूछी जाएंगी। सारे बातों को आपको इकोनॉमिकल और सोशल पर्सपेक्टिव से आपको जवाब देना है और कभी भी आप किसी एक धारा में नहीं बहना है, आपको बैलेंस वे में जवाब देना है। इंटरव्यू का अंदर का जो माहौल बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर होता है, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी होते हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं बोर्ड के मेंबर। यदि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ऑनेस्टली और पोलाइटली सॉरी बोल दीजिए, परंतु यदि आप बात को लटकाते हैं, फंसाते हैं तो वो समझ जाएंगे कि भाई इसमें प्रशासन बनने का गुण नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा की तैयारी आपके व्यक्तित्व के निखारने का भी एक सबसे बड़ा जरिया होता है। इसे केवल आप तैयारी न समझे बल्कि आपके व्यक्तित्व का उद्दीपन भी यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग होता है। इंटरव्यू देने के बाद में आप भूल जाएंगे कि भाई दुनिया में हमने कैसे तैयारी किया था, हमने कैसे पढ़ाई करा था, वो सब यहीं रह जाए। किताबी ज्ञान आपको मेंस तक ही काम देगा, बाद में जो एनालिटिकल नॉलेज होता है, जो संज्ञात्मक ज्ञाने होती हैं, विश्लेषणात्मक ज्ञाने होती हैं, वही आपको इंटरव्यू में काम देगा। और बार बार डिबेट करना, पेपर का संपादकीय पढ़ना, अच्छे समाचार को पढ़ना, यदि कोई घटना घट रहा है उस घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण है, जैसे इजराइल का मुद्दा हो गया, ईरान का मुद्दा हो गया, अफगानिस्तान का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। जहां तक आपने नहीं सोचा होगा वहां तक बीपीएससी के जो मेंबर है और माननीय चेयरमैन साहब हैं बोर्ड के, वो आपसे वो प्रश्न पूछेंगे। वो जानना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं कि भाई हम जिस अधिकारी को चयनित कर रहे हैं क्या वास्तव में उनमें इतनी क्षमता है कि वो चीजों को, तथ्यों को, बातों को समझ सके। अगर ये चीजें होंगी तो ही जाकर के आप वहां पर इंटरव्यू में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, है ना। तो बार बार कहते हैं कि किसी मासिक पत्रिका को तो आप पढ़िए, ठीक है, आपका ज्ञान बूस्ट होगा, लेकिन पेपर को आप इग्नोर नहीं करें, पेपर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात कि बिहार के बीपीएससी इंटरव्यू वाले में ना आपसे रीजनल न्यूज ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। इस बार रीजनल न्यूज का मतलब यह होता है कि बिहार का विकास हम कैसे करेंगे, बिहार एजुकेशन में क्यों पिछड़ा हुआ है, बिहार का जीडीपी काफी हाई है फिर भी हमारे यहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, बाढ़ है, सूखा है, है ना, ये समस्याएं हैं, जातिगत जनगणना है, इसकी जुड़ा हुआ समस्याएं हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे काफी पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, कि अब इकोलॉजी पे भी बीपीएससी ध्यान दे रहा है, तो आपको पर्यावरणीय चीजों को भी समझना होगा। फिर अभी देखोगे कि बिहार में एक नई पोलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है जन सुराज का, तो आपसे जन सुराज के भविष्य पर भी प्रश्न पूछा गया है इस इंटरव्यू 69वें इंटरव्यू में, कि भाई जन सुराज नया पार्टी गठित हुआ है तो आपको लगता है कि ये पार्टी बिहार में कुछ भी सीटें जीत पाएंगी, और इस पार्टी का आइडियोलॉजी पूछा गया कि यह पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी पे यह पार्टी काम कर रही है। ये भी कहा गया कि क्या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसी के बराबर बिहार में क्या जन सुराज पार्टी स्थापित हो पाएगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो आप केवल पेपर में पढ़ते हैं कि हाँ जन सुराज ने यहाँ मीटिंग किया, यहाँ अधिवेशन किया, आपको जोड़ घटाओ गुना भाग जितने भी पहलुए होती हैं सारे पहलुओं पर चर्चा करके समझ करके आपको इसमें चर्चा करना होगा, बताना पड़ेगा, अपने विचारों को बताना पड़ेगा। फिर अभी अगला विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा के पहला जो हुआ था बिहार में उसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान विधानसभा के चेयरमैन कौन है, क्या कभी कोई महिला विधानसभा की चेयरमैन रही है, अध्यक्ष रही है, ये सब सामान से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन्हीं कुछ घटनाओं पर बीपीएससी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछता है। तो बार बार क्रक्स यही होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कोई आपको एक दिन में नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि हम मेंस क्वालिफाई किए इंटरव्यू देने चलेगा, नहीं, आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत, जब तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स का तब से ही तैयारी होना शुरू हो जाता है, अपने आप को निखारना उसी समय से आप शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम सारे बच्चों से जो 70वीं बीपीएससी का पीटी देंगे या इंटरव्यू भी देंगे उनसे यही अनुरोध हमारा है, यही सुझाव है कि आप लोग अभी से ही पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए और पेपर पढ़ने के साथ साथ में चीज़ों को एनालिटिकली रूप से समझने का, बुझने का प्रयास कीजिए, उस पर दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, कोई घटना घटित हो रही है क्यों हो रहा है, ताकि आप में जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होगा तब तक आप अच्छा तरीके से इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, है ना।
बाहर में क्या बोलते हैं, क्या किताब पढ़ना है, इंटर ये एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, वो उनका अपना सोच है ना भाई, वो अपना पढ़ करके गए हैं। जरूरी थोड़े है कि वो जो हम हमको बोल रहे हैं हम भी उसी तरह पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं, सबका अपना कैपेसिटी होता है, सबका अपना कैलिवर होता है, किसी के बता देने से आपको पढ़ाई नहीं हो पाती, बल्कि आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ये एक इंटरव्यू का जो अनुभव था हमने आपको साझा किया है, बताया है कि ये किस प्रकार से अभी डायमेंशनली पूछा जा रहा है, तो उस पर आप लोग अभी से ही काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।